BJP has now virtually dared Mamata Banerjee to walk the talk. Just a while ago, my colleague Atish Shivastav spoke to senior BJP leader Rajnath Singh. It's an important day in Indian politics today. All eyes will be set on Mamata Banerjee, and there's one party which will be closely monitoring each and every situation is BJP. And to discuss more, we have senior leader Mr. Rajnath Singh with us. Sir, ek bahut mahatvapurn baithak aaj Kolkata mein shuru hone wali hai TMC ki. TMC क्लियर थ्रेटन कर रही है कि अगर रोल बैक नहीं हुआ तो पुल आउट कर ले. आपको क्या लगता है क्या होगा? टीएमसी ने 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और मैं मुझे विश्वास है कि आज उनकी बैठक हो रही है. 72 आवर्स का यह समय समाप्त हो चुका है और टीएमसी निश्चित रूप से कांग्रेस लेड यूपीए से अपना सपोर्ट वापस लेगी और कम से कम ममता जी अथवा उनकी पार्टी टीएमसी भारत की पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. तो इससे पहले भी एक दो बार ममता बनर्जी धमकी दी है, चाहे पेट्रोल प्राइस बढ़ाए हो या डीजल प्राइस बढ़ाए हो या इससे पहले जो एफडीआई हो, लेकिन कभी हमने देखा नहीं इसके मीटिंग के बियॉन्ड कोई बात गई हो. मैं समझता हूं पहले की धमकी में और इस धमकी में दोनों में कुछ मौलिक अंतर है. इस बार तो एकदम बिल्कुल उन्होंने टाइम बाउंड अपनी जो है ये अल्टीमेटम दिया है कि 72 आवर्स का, और वो 72 आवर्स समाप्त होने जा रहा है. टीएमसी की बैठक कलकत्ता में हो रही है. मैं समझता हूं कि उस बैठक के डिसीजंस की प्रतीक्षा की जानी चाहिए. सो टीएमसी हैज बीन एसोसिएटेड विद एनडीए, आर बीजेपी लीडर्स इन टच विद ममता बनर्जी इफ सपोज ही विथड्रॉज? नहीं नहीं, हमारी कोई इधर बातचीत उनके साथ नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की भी किसी की बातचीत नहीं हुई है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपना सपोर्ट वापस लेने का डिसीजन आज की बैठक में करेंगी, क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, डीएमके है, ये सभी एफडीआई का विरोध तो करते हैं लेकिन इस सरकार से अपना सपोर्ट वापस लेने को तैयार नहीं है. सपा बसपा तो बराबर यही कहती हैं कि कहीं कम्युनल फोर्सेस पुनः पावर में न आ जाए, इस कारण हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कम से कम इस टेन्योर में जो यह पार्लियामेंट का यह कार्यकाल चल रहा है इसमें हम गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं अब तो सपोर्ट वापस ले ले. माने नेताओं की के वर्ड्स और डीड्स में अंतर नहीं होना चाहिए. जब वर्ड्स और डीड्स में जब अंतर होता है तो पॉलिटिक्स में एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा होती है. तो भारत की पॉलिटिक्स को इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के से बचाने की जरूरत है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, यानी सपा बसपा डीएमके एनसीपी टीएमसी इन सबको इस सरकार से सपोर्ट वापस लेना चाहिए. कारण यह है कि यह सरकार जो कुछ भी कर रही है वह यूएस के प्रेशर में कर रही है और जैसे न्यूक्लियर डील का चाहे फैसला रहा हो तो यह सरकार एडामेंट केवल इसीलिए थी क्योंकि यह दबाव में थी, अमेरिका के दबाव में. और एफडीआई का भी डिसीजन हो रहा है वह अमेरिका के दबाव में हो रहा है और कुछ अन्य विदेशी ताकतें हैं जिनके दबाव में हो रहा है. मैं किसान हूं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि एफडीआई यदि रिटेल ट्रेड में होता है तो निश्चित रूप से व्यापारी हमारा जो रिटेल ट्रेड का है वो तो तबाह होगा ही होगा, इस देश का किसान बुरी तरह तबाह होगा. और मैं जानता हूं कि इस समय कुछ सेमिनार सिंपोजियम आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें तर्क यह दिए जा रहे हैं कि नहीं एफडीआई के होने के कारण किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, उनके जो प्रोड्यूसर हैं उसकी एक अच्छी कीमत उनकी उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा ने भी अपनी जनता से एक बार अपील की थी कम से कम वीकेंड पर एक बार रिटेल जो हमारी शॉप्स हैं वहीं से लोग सामान खरीदें, या अमेरिकन सिटीजन से उन्होंने अपील की है. तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो उससे एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खड़ी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस धीरे धीरे अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ डेवलप कर रही है और वहां के नवयुवकों में असंतोष भी पैदा हो रहा है. क्या ये चाहते हैं कि ऐसा ही असंतोष यहां भी पैदा हो? और यह जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं जब भी यहां पर आएंगी तो यहां का जो भी वो मुनाफा कमाएंगी यहां के बैंकों के अकाउंट्स में नहीं रहेगा, सारा का सारा मुनाफा वो अपने देश में ले जाएंगे. तो उनका देश तो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर हो सकता है लेकिन भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा. इसलिए देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों को जो कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही है, इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाना चाहिए ताकि इनसे वो अपना सपोर्ट
वापस ले और देश जो आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ेगा इसके कारण एफडीआई के कारण कम से कम उससे देश को बचाया जा सके। सो वन लास्ट क्वेश्चन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इफ सपोज ममता विड्रॉज विल बीजेपी बी इन टच विद ममता बनर्जी जयललिता एंड प्रेस फॉर अ स्पेशल सेशन सो दैट यू कैन शो योर स्ट्रेंथ। वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की जो है रिप्लाई नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि टीएमसी की बैठक होने वाली है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। सो दिस वाज मिस्टर राजनाथ सिंह हू क्लियरली सेड दैट ममता बनर्जी विल प्रूव हर क्रेडिबिलिटी बाय विथड्रॉइंग द सपोर्ट। विद कैमरा अश्विनी हेलन आतिश श्रीवास्तव इन दिल्ली फॉर हेडलाइंस टुडे।